तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की डिपार्चर हो चुकी है रांची के एक नंबर प्लेटफॉर्म से। इस तरफ में फ्रेंड देख सकते हो तो पराठा दी गई है। चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि आपको मेरा स्टाइल पता है, सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे आपको वंदे भारत एक्सप्रेस दिख रही होगी। तो आज हमारी इस ट्रेन में ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो आज जो मैं ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ रांची के रेलवे स्टेशन से पटना के बीच हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो आप देख सकते हो अभी मैं रांची के रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। और फ्रेंड आपको मैं बता दूं इस ट्रेन की अगर नंबर की आपसे बात करूं तो इस ट्रेन का नंबर है 22350। और ये ट्रेन के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड, ये झारखंड और बिहार की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं इसी में आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो आप अंत तक ब्लॉग में बने रहे, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी ये कौन सी रूट होकर ट्रेन जाती है, कैसा क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। इसमें कैटरिंग सुविधा किस तरह की आपको मिलेगी, खाने में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, नाश्ते में क्या मिलेगी, सारा कुछ आपको डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस की और एक ट्रेन जर्नी में। फ्रेंड आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड अभी आपसे मैं मिलता हूँ अपने कोच के अंदर में, लेट सी फ्रेंड। और रांची से आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रही है फ्रेंड और पटना के बीच में होगी। तो आप अंत तक बने रहे, अभी आपको मैं जा रहा हूँ कोच के अंदर और इसकी सारी फैसिलिटी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस पे बोर्ड कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ कैसी ट्रेन है क्या है। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, आपको दिखाता हूँ। और आज जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है, तो इस ट्रेन का अगर मैं नंबर की बात करूँ तो इसका नंबर है 22350। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो इस तरफ में एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, आप देख सकते हो। और यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ देख लीजिए फ्रेंड जैसे कि लिखा हुआ है मेकिंग इंडिया इंडियन रेलवे। तो देख सकते हो कुछ इस तरह की ट्रेन है। तो आज हमारी इसी में ट्रेन जर्नी होने वाली है फ्रेंड। तो आप अंत तक ब्लॉग में बने रहे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है इस ब्लॉग में। और बता दूँ फ्रेंड ये कौन कौन से स्टेशन होके जाती है, सारा कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ट्रेन का फीचर भी बताऊंगा। तो अपन तक ब्लॉग में बने रहे, मैं दिखाता हूं अभी आपको। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक डोर है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरफ, अगर आप सीसी कोच देखोगे तो आप इसमें देख सकते हो 3x2 की ऑप्शन है सीसी कोच में। आप देख सकते हो इस तरफ में 3 सीट हो गई, इस तरफ में 2 सीट हो गई। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका ईसी कोच। तो ये रही फ्रेंड, जैसे देख सकते हो मैं जाऊंगा ये डोर खुल जाएगी। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो ये है इसी कोच। तो इसी कोच की आप डिफरेंस देख सकते हो, ये 2x2 की ऑप्शन आती है इसी कोच में। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, इस तरफ में 2 सीट, इस तरफ में 2 सीट। तो अभी फ्रेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी कोच का इंटीरियर। आप देख सकते हो ये लेग स्पेस, आप देख सकते हो मेरी 5'7" हाइट है और ये लेग स्पेस काफ़ी इनफ है, आप देख सकते हो। और इस तरफ जैसे कि मैं आपको फ्रेंड दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे है फ्रेंड ये ट्रे टेबल, इस तरह निकलती है, ऐसे हो गई। तो ये ट्रे टेबल यहाँ निकल गई, इस पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर या कुछ काम हो तो आप लैपटॉप पे कर सकते हो, कुछ इस तरह की है। और उसके बाद इसे आप फोल्ड करके यूज के बाद इधर अंदर रख सकते हो। इस तरफ में आप देख सकते हो 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, और इस तरफ में 1 लीटर की पानी बोतल होल्डर आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी विंडो, और ये देखते हैं देख सकते हो फ्रेंड यहाँ कर्टन दी गई है, अगर आपको धूप लगती है तो आप कर्टन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे उठा दीजिए ऐसे। और ये दिखा दो आपको यहाँ पे ये टच लाइट, देख सकते हो ये टच लाइट है, एक टच में ये बंद भी हो जाएगी।
और इसका सीट आपको मैं दिखा दूं तो ये देख सकते हो, इसकी लेदर काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो। और ये सीट आपको मैं दिखाता हूँ, ये रोटेट भी होती है, ये जैसे आप देखिए ये ऐसे रोटेट हो गई, ये सीट को आप देख सकते हो इस तरह ये रोटेट भी हो गई। और अगर आपको जर्नी करनी है तो आप इस तरह से यहाँ पे रोटेट करके आप यहाँ बैठ सकते हो और इस तरह आप जर्नी भी कर सकते हो, देख सकते हो। और फ्रेंड अगर आपसे मैं इस वंदे भारत ट्रेन की बात करूं तो ये बता दूं आपको, नई भारत की नई ट्रेन है। तो आज हमारी इसमें ट्रेन जर्नी होने वाली है, तो अपन तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये ट्रेन कौन कौन से स्टेशन होके जाती है, कैसा क्या है, सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड बता दूं ये नई भारत की नई ट्रेन और आधुनिक ट्रेन और उन्नत ट्रेन है, तो ये काफ़ी सुंदर ट्रेन है। आप भी इसमें कभी जाएं तो जर्नी करें और इंडियन रेलवे को आप सपोर्ट करें, काफ़ी सुंदर ये ट्रेन है फ्रेंड। तो मैं आज जा रहा हूँ और आपको ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे, तो आप इसी तरह भाई के साथ वर्चुअली ट्रेन जर्नी करते रहें फ्रेंड, और इस ट्रेन यात्रा में काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो फ्रेंड इसी तरह आप अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें और इसी तरह भाई को आप सपोर्ट करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें उतना मेरे लिए ठीक होगा। अगर फ्रेंड आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ वंदे भारत की और एक फीचर, ये आप ग्रीन दबा के आप ड्राइवर अन्यथा गार्ड से बात भी कर सकते हो, आपकी अगर कोई इमरजेंसी हो तभी आप इसे दबा के बात करें, अन्यथा आप न करें। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई, तो ये चेन्नई में ही निर्मित है। और इस तरफ में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हो टोटल सीट कैपेसिटी 78। तो आज जो हमारी रिजर्वेशन है बता दूँ वंदे भारत एक्सप्रेस में C6 हमारा कोच नंबर है, और ये देख सकते हो C6 की कैपेसिटी है 78। और इस तरफ जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो, आप डोर से अंदर आओगे तो इस जगह में आपको फास्ट एड किट दिख जाएगी, तो ये हर डोर के पास में रहती है वंदे भारत में आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीट है, तो जो कैटरिंग के स्टाफ हैं उनके लिए ये सीट यहाँ दी गई है, वहाँ वो यहाँ बैठ सकते हैं इस तरह से, और इसे छोड़ दें तो ये फोल्ड हो जाती है। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो वंदे भारत की अभी डोर क्लोज होने वाली है, 4:15 होगी, क्योंकि 4:15 में ये देखिए डोर अभी क्लोज होगी 4:14 में, और 4:15 में यहाँ से डिपार्चर है वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो डोर अभी क्लोज हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की डिपार्चर हो चुकी है रांची के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो आप देख सकते हो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से अभी वंदे भारत एक्सप्रेस खुल गई है, और ये पूरी ऑन टाइम खुली है आप देख सकते हो। और ये जस्ट खुलते ही आप देख सकते हो ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है, तो अभी आपको मैं इसका स्पीड चेक भी करके दिखाऊंगा, स्पीड चेक भी आपको मीटर में दिखाऊंगा कितनी स्पीड तक ये रन करती है। तो चलिए फ्रेंड अभी आपको मैं दिखा दूँ ये वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी वाली जो बाथरूम है, बड़ी वाली जो बाथरूम है वो आपको दिखाता हूँ, ये कैसा इसका साफ सफाई है। तो इस जगह आप ये बटन को प्रेस करोगे तो ये देखिए ये खुल गई सिम सिम, ठीक है। इसके बाद अंदर आता हूँ, आप ये बटन को इस तरह प्रेस करें, ये ऐसे बंद हो जाएगी, बंद हो जा सिम सिम, ठीक है। इसके बाद आप इसे लॉक कर लें, यहाँ पे लॉक करने के बाद फ्रेंड आपको दिखा दूँ, जैसे ही आप बाथरूम के अंदर आओगे तो यहाँ पे बड़ी सी मिरर आपको दिखेगी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे वॉश बेसिन, पानी आ रही कि नहीं, तो पानी तो आ रही है फ्रेंड, वंदे भारत ट्रेन है तो पानी क्यों नहीं आएगी। और इस तरफ में आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे हैंड वॉश रखी गई है, जैसे कि हमारे हाथ पे आ गया हाथ लगाने में, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लीन कर ले रहा हूँ
हैंड वॉश दिखा दिया, वेसिंग दिखा दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, हैंड ड्रायर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दिखा दिया आपको, ये जैसे कि आप देख सकते हो हैंड ड्रायर। और इस तरफ आप दिखा दूं ये फ्लैश, आप अगर बाथरूम की यूज करते हो तो ये फ्लैश को एक बार जरूर फ्लैश आप दबा दें। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारी जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस रात ही से खुल चुकी है, और खुलने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही हमें ये रेल मीर 1 लीटर दी गई है, आप देख सकते हो। और अभी आपको अगर मैं दिखा दूँ तो ये दिखा रहा हूँ, एक ये न्यूज़पेपर दी गई है आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर। और उसके बाद अभी जो नाश्ता वगैरह आ रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ, कैसा क्या है इसका नाश्ता, सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। तो अभी कुछ इसका आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड अभी आपको मैं दिखा दो इसका कुछ इंटीरियर, आप देख सकते हो ये लेग स्पेस, आपको इसी कोच से थोड़ा कंजेस्टेड है आप देख सकते हो, इसी कोच में आपको काफ़ी स्पेस मिलेगी। और इस तरफ में जैसे कि आप देख सकते हो सीट के नीचे 1 लीटर का आपको बोतल होल्डर दी गई है, और ये आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ट्रे टेबल आपका ये रहा, आप इसे खोल सकते हो, और यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर सकते हो, या लैपटॉप में कोई काम वगैरह है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हमारी पानी बोतल को यहाँ रख दे रहा हूँ, इस तरह देख सकते हो 1 लीटर की पानी बोतल वहाँ पे ये हो गई। और इधर जैसे कि आपको दिखाऊं ये टच लाइट आप देख सकते हो, एक टच लाइट है ये बंद हो गई देख सकते हो। और ये जैसे कि कटन, ठीक है ये कटन आप ऊपर भी कर सकते हो इस तरह की, और ये बड़ी सी विंडो आप यहाँ पे, और उस तरफ में 3 सीट और इधर में 2 सीट, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज हमारा रिजर्वेशन है सीसी कोच में, तो ये सीसी कोच का इंटीरियर आप देख सकते हो, उस तरफ में 3 सीट हो गई, इधर में 2 सीट हो गई। तो फ्रेंड आपको अभी बता दूँ हमारी अभी शाम की नाश्ता आ गई है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो ये मखाना की एक पैकेट दी गई है नाश्ते में, और इधर दिखा दूँ आपको एक ये देख सकते हो लोटी चोको पाई, उसके बाद ये आप देख सकते हो टमाटर केचप, और ये एक दे गई समोसा, और ये एक चाय दी गई है देख सकते हो, और ये क्या है ये वाइप्स दी गई है देख सकते हो, और इधर में एक सैनिटाइजर आप देख सकते हो ये मिली है। तो अभी फ्रेंड आप देख सकते हो गर्म पानी आ गई है, और अभी मैं बनाता हूँ इसमें कॉफ़ी और फिर। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ अभी मैं अपना कॉफ़ी बना लिया हूँ, और कॉफ़ी ट्राई करता हूँ कैसा है। तो फ्रेंड आपको बता दूँ कॉफ़ी काफ़ी कड़क है, काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी है, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ और इसे फिनिश करके मिलता हूँ आपसे। I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, wow. Glowing so bright, I'm going so low. I'm riding high and it just goes up. Loving what I do and I know nothing gets me down. Cause I can turn it round like. Okay.
फ्रेंड अभी आप देख सकते हो, अभी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस बड़का खाना रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो मैं बाहर नहीं उतरूंगा क्योंकि यहाँ 2 मिनट की ही स्टॉपेज है, अगर बाहर उतरता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, ये डोर ऑटोमेटिक है बंद हो जाएगी। तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अभी बड़का खाना रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है और यहाँ से अभी हमारी गाड़ी खुलती है तो आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इधर बड़का खाना रेलवे स्टेशन से अभी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस खुल चुकी है। तो चलिए अभी मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में आपसे। तो फ्रेंड अगर आपसे मैं बात करूँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन की जो रांची से पटना तक चलती है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें टोटल 8 कोच लगी हुई है। इसमें आपको 7 कोच मिलेगी सीसी कोच और 1 मिलेगी आपको एसी कोच। अगर इस ट्रेन की फेयर की अगर बात करूं मैं आपसे, आप एंड टू एंड अगर जर्नी करते हो रांची से पटना तक की, तो आपको रांची से अगर आप पटना जर्नी करते हो तो आपको सीसी कोच की देनी होगी 1175 रुपये। अगर आप एसी कोच में जर्नी करते हो तो आपको देनी होगी 2110 रुपये। तो कुछ इस तरह का ट्रेन का फेयर होने वाला है। रात्रि का डिनर सर्व किया गया है, तो अभी मैं डिनर में आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ मिला है और इसको फिनिश करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस के डिनर में क्या चीज़ मिला है। तो आप देखें वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ डिनर में क्या सब चीज़ मिला है। इस तरफ में फ्रेंड देख सकते हो दो पराठा दी गई है और ये आपको दिखा दूँ मेधा की दही दी गई है 1, और यहाँ जैसे कि आपको दिखाऊं तो ये पनीर की सब्जी हो गई, ये आलू पटल की सूखी सब्जी, इस तरफ में दाल और ये हो गई चावल। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो डिनर के बाद अभी जो सर्व हुई है आइसक्रीम सर्व हुई है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको अमूल की है कौन सी फ्लेवर वो देख रहा हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो हमारा फेवरेट ये आप देख सकते हो वेनिला। तो फ्रेंड फाइनली आप देख सकते हो अभी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस गया रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और यहां से डिपार्चर होती है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूं। तो अभी गया रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहां से जो हमारी लास्ट स्टेशन होने वाली है वो पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन में हमारी जर्नी एंड हो जाएगी। तो फ्रेंड आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, आपको मैं दिखा रहा हूँ पटना जंक्शन पहुँच रहा हूँ उसके बाद, और देख सकते हो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपसे फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट में पटना जंक्शन में। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अभी गया रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी खुल चुकी है और नेक्स्ट जो स्टॉप पे जाएगी वो पटना। तो इधर आप देख सकते हो खूबसूरत सी डिपार्चर गया रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को आप देख सकते हो 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और आपको बता दूं ये ट्रेन आई है लगभग 48 मिनट डिले। तो आपको बता दूं ये ट्रेन जो रांची से चल के पटना तक की दूरी होती है 378 किलोमीटर, और 378 किलोमीटर को तय करने में हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस को जो समय लगी है 7 घंटे वो समय लगी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को ये सफ़र तय करने में। और आपको बता दूं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो आई है पटना जंक्शन पे वो लगभग आई है 48 मिनट डिले। तो आप इससे इस गाड़ी की पंक्चुअलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट जर्नी में जल्द आपका स्वागत होने वाला है और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।